छिंदवाड़ा में एक बार फिर जंगल से सागौन की लकड़ी चोरी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि रात में एक पिकअप वाहन अवैध रूप से सागौन की बलियां लेकर जा रहा था, तभी वन विभाग की टीम ने पिकअप वाहन को पकड़ा और सागौन की लकड़ियां जब्त कर ली। वहीं आरोपी वाहन छोड़कर फरार हो गया। परासिया में सागौन की तस्करी का मामला सामने आया है। वन विभाग की रेंजर अलका भूरिया के नेतृत्व में एक टीम शंकरपुर के जंगल में रैकी में लगी हुई थी, तभी अचानक रात में वन विभाग की टीम ने अवैध सागौन की बल्लियों से भरे पिकअप वाहन को देखा और उसका पीछा किया और वाहन को पकड़ लिया, लेकिन इस दौरान आरोपी वाहन चालक गाड़ी छोड़कर भाग निकला। वहीं वन विभाग ने वाहन और सागौन की बल्लियों को कब्जे में ले लिया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। साफ गश्ती कर रहा था, गश्ती के दौरान सूचना मिली है कि मंडला शंकरपुर मार्ग पे एक पिकअप वाहन पलट गया। हम लोग जब गश्ती कर रहे थे तो उसमें लकड़ी पाई गई सागौन की, तो उसकी लगभग कीमत 10 लाख बराबर 0780 CNG का है। उसमें शंकरपुर का स्टाफ है, शायद पात्र और वनरक्षक लिंकन, वनरक्षक ब्रह्मे, इनके द्वारा ये जब्ती कार्रवाई की गई है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।